आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं वर्टिगो के बारे में। तो वर्टिगो में क्या होता है कि हमको चक्कर आने लगते हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे कमरा घूम रहा है, या करवट बदलते समय में बहुत तेज चक्कर आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि बैलेंस बनाने में भी हमको दिक्कत होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से हमको मिचली सी भी आने लगती है, तो हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि हमको लगता है जैसे एक कान में सुनाई हमें कम पड़ रहा है, तो ये सब वर्टिगो की वजह से होता है। ये वर्टिगो होता क्यों है, ये तीन सिस्टम्स की वजह से होता है, तीन सिस्टम्स में से एक सिस्टम का ठीक से ना काम कर पाने की वजह से ये होता है। और ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमें अपनी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाने में, ये सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं की वजह से हम अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं और पोस्चर सही रख पाते हैं। और ये सिस्टम होते क्या हैं, एक होता है हमारी आँख का सिस्टम जिसको कहते हैं हम वेस्टिबुलर ऑकुलर सिस्टम। तो इसमें हम जिस हिसाब से हम गर्दन घुमा रहे हैं उस हिसाब से हमारी पुतली घूम किस हिसाब से हमारी पुतली घूम रही है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो हमारी गर्दन में होता है, अपर सर्विकल स्पाइन में होता है, इसे कहते हैं सर्विकल प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हमारी सर्विकल स्पाइन में जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं और कैप्सूल्स होते हैं, मसल्स होती हैं, तो उनमें मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या होता है, ये सिग्नल भेजते हैं हमारे दिमाग को कि हमारी गर्दन की मतलब पोजीशन या पोस्चर हमारा क्या है, क्या मूवमेंट हो रहा है, इसका ये सिग्नल भेजते हैं। तो क्या होता है, मैकेनिकल रिसेप्टर्स काम करना कभी कभी कम कर देते हैं। वो क्यों होता है, हमें अगर चोट लग जाए या हमें अर्थराइटिस हो जाए या गलत पोस्चर की वजह से हमारी मसल्स टाइट हो जाएं, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सुस्त हो जाते हैं, ये सिग्नल जो है वो लेट भेजना शुरू कर देते हैं। हमारी आँख का सिग्नल सही जा रहा है, हमारी कान से सिग्नल सही जा रहा है, लेकिन यहाँ से सिग्नल गड़बड़ हो जाता है तो हमको फिर चक्कर आने लगते हैं, दिमाग समझ नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें चक्कर वर्टिगो जो होता है वो हमें कान से क्यों आता है। तो जो हमारा इनर ईयर सिस्टम होता है इनमें कैनाल्स होते हैं और कैनाल का ये खेल होता है पूरा। तो ये कैनाल तीन होते हैं और इनमें ये सेमाए होते हैं, आधे होते हैं, आधे छल्ले जैसे होते हैं, और इनमें लिक्विड भरा होता है। तो जब हम हेड मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में करते हैं तो वो उन कैनाल्स में लिक्विड जो होता है वो मूव करता है, और वो जैसे ही वो मूव करता है लिक्विड, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम हेड अपना किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो जैसे जो लैटरल इसमें होते हैं, इनका नाम होते हैं, एक पोस्टीरियर कैनाल होता है, एक लैटरल होता है और एक सुपीरियर होता है। तो पोस्टीरियर कैनाल कब डिटेक्ट करता है हमारा मूवमेंट, जब हम इस तरीके से बेंड कर रहे होते हैं गर्दन, तो ये पोस्टीरियर कैनाल इसको डिटेक्ट करता है, उसके लिक्विड में मूवमेंट आता है। और जब हम ये वाला मूवमेंट करते हैं, नहीं वाला ये वाला, तो ये लैटरल कैनाल इसको डिटेक्ट करता है, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम ऐसे गर्दन ऐसे हिला रहे हैं। और जो ये हाँ वाला होता है इसको सुपीरियर कैनाल डिटेक्ट करता है। तो इसमें गड़बड़ी आती क्यों है, ये सिग्नल भेजना बंद क्यों कर देता है, या बंद तो नहीं करता है, गड़बड़ भेजने लगता है। तो गड़बड़ कैसे भेजता है, इसमें क्या होता है, हमारे कान में यूट्रिकल होते हैं और उनमें होते हैं क्रिस्टल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो इन कैनाल्स में चले जाते हैं, इन तीनों में से किसी कैनाल में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम हेड नहीं भी घुमा रहे होते हैं, जब हम अपनी गर्दन इधर उधर नहीं भी घुमा रहे होते हैं, तभी भी वाटर जो होता है, जो लिक्विड होता है हमारी कैनाल्स में, वो इन क्रिस्टल्स की वजह से वो अपने आप हिलने लगता है, और उसके उनके मूवमेंट में गड़बड़ी आने लगती है, फिर जिसकी वजह से जो सिग्नल होता है वो दिमाग में गलत जाने लगता है। दिमाग को लगता है हम हेड हिला रहे हैं, लेकिन हम हेड हिला ही नहीं रहे होते हैं, तो दिक्कत ये होती है। तो इसीलिए हमको फिर चक्कर आने लगता है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए फिर हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जो वर्टिगो हमें अपने कान की वजह से होता है, कान के अंदर वाले सिस्टम की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, इसे शॉर्टकट में BPPV भी कहते हैं। तो इसको सही करने के लिए भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसे कहते हैं एप्ली मैन्यूवर, एक होता है हाफ समरसॉल्ट, तो हम अभी इसी वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। और इसके अलावा जो हमको आंखों से जो वर्टिगो होता है इसे कहते हैं विजुअल वर्टिगो, और जो हमको सर्विकल स्पाइन से होता है इसे कहते हैं सर्विकोजेनिक डिजीनेस। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ BPPV के बारे में बात करेंगे और उसी की एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो इसमें हम जो है वो क्रिस्टल जो हमारे कैनाल में चले गए हैं उनको हम निकालने के लिए वो एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर हम अपनी पहली एक्सरसाइज करते हैं और इसका नाम है एप्ली मैन्यूवर। तो इसको हम क्रिस्टल निकालने के लिए करते हैं जो हमारे कैनाल में चले जाते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए वैसे तो थेरेपिस्ट की मदद ली जाती है, वो आपकी गर्दन लटका देते हैं बेड से और इस एक्सरसाइज को करने में आपकी वो मदद करते हैं, लेकिन हम अकेले कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक तकिया ले आए हैं, और इस एक्सरसाइज को करने में आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो थोड़ा खाना वाना कम खाए रहिएगा, और इस एक्सरसाइज को तभी करिएगा जब आप
करने लायक हो, आपको ऐसा ना लग रहा हो कि आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। इसको तभी करिएगा जब आप कर सकते हो। तो अब हमको क्या करना है, चलिए एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। इसमें अब हम यहाँ पर बेड पे इस तरह आ जाएंगे, और अब हमको ये देखना है कि हमको चक्कर गर्दन को किस तरफ मोड़ने पर आ रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। मान लीजिए कि मुझे गर्दन राइट साइड मोड़ने पर चक्कर आ रहा है, तो हम एक्सरसाइज की शुरुआत जो है वो गर्दन को राइट साइड ही मोड़ कर करेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि गर्दन को 45 डिग्री मोड़ लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी गर्दन जो है ये 45 डिग्री पर ये मुड़ गई है इस तरीके से। ये ना ही सीधी है ना ही ये इस तरफ है, 45 डिग्री पर है। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को एक्सटेंड कर देंगे 30 डिग्री पर, मतलब हम अपना चिनअप कर देंगे। तो ये हमारा चिनअप हुआ, हमारी गर्दन एक्सटेंड हो गई 30 डिग्री पर। अब हमको इसी पोजीशन में लेट जाना है तकिया के ऊपर, ऐसे जिससे कि हमको तकिया से थोड़ा गर्दन को एक्सटेंड करने में सपोर्ट रहे, और हमारी गर्दन जो है वो ऐसे ही एक्सटेंड रहेगी और 45 डिग्री पर ऐसे ही राइट साइड की तरफ घूमी रहेगी। राइट साइड पे हमारी गर्दन क्यों घूमी हुई है, क्योंकि हम मुझे जो है वो चक्कर राइट साइड पर आ रहा है। अगर आपको लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा चक्कर ज़्यादा, तो आप लेफ्ट साइड से यही चीज़ शुरू करेंगे, और ये जस्ट अपोजिट होगा इस एक्सरसाइज का। तो हम इस पोजीशन पे जैसे ही आएंगे, 45 डिग्री घूमी हुई है और 30 डिग्री ऊपर एक्सटेंड है, हम जैसे ही लेटेंगे हमको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। बस अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमको चक्कर कब तक आ रहा है, और चक्कर आना जैसे ही हमको बंद हो जाएगा हमको 30 सेकेंड्स और ऐड कर देना है, मतलब हमको इतनी देर ये इस पोजीशन में होल्ड रखना है। जैसे ही हम लेटे हमको देखना है चक्कर हमको कब तक आ रहा है, और चक्कर ख़त्म होते ही 30 सेकेंड्स तक हमको और होल्ड करना है, और 30 सेकेंड्स होते ही हमको फिर अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री पे घुमा देनी है गर्दन, और घुमाते समय हमारी गर्दन जो पीछे की तरफ 30 डिग्री एक्सटेंड है वो वैसी ही रहेगी। तो हमारी गर्दन कुछ इस तरीके से 45 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घूम गई। अब आप जैसे ही गर्दन ये घुमाएंगे आपको फिर से चक्कर आएगा, और आपको फिर ये देखना है कि आपको चक्कर कब तक आ रहा है, और चक्कर जैसे ही आना बंद हो तुरंत 30 सेकेंड्स इसमें और ऐड करिए। इतनी देर आपको यहाँ पर होल्ड रखनी है। और अब आपको क्या करना है कि अब तीसरा जो स्टेप है इसका, इसमें हमको क्या करना है कि हमको ज़मीन की तरफ अब देखना है, और ज़मीन की तरफ हमको देखने के लिए हमको करवट लेनी होगी इस तरफ, और हमारी जो गर्दन है अब वो 90 डिग्री पर चली जाएगी, बीच से 90 डिग्री पर चली जाएगी, और उसी पोजीशन पर हमको ज़मीन को देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैर का इस्तेमाल करेंगे हम, और अपने आप को पलटेंगे, और गर्दन भी हमारी जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे हमारी गर्दन भी पलटती जाएगी, और वो गर्दन एकदम कंधे के ऊपर इस तरह आ जाएगी, और अब हम इस तरह से नीचे ज़मीन की तरफ देखेंगे। हमारी गर्दन अब बीच से 90 डिग्री पर आ गई है, और अब इस पोजीशन पर हमको होल्ड करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे आपको फिर वही चक्कर आना शुरू होगा, और आपको फिर वही चीज़ करनी है कि देखना है चक्कर आपको कितनी देर तक आ रहा है, और चक्कर ख़त्म होने पर आपको 30 सेकेंड्स और होल्ड करना है इस पोजीशन पर। आपकी गर्दन पूरी 90 डिग्री पर है, कंधे के ऊपर आ चुकी है। अब जैसे ही 30 सेकेंड्स होते हैं हमको फिर उठ के बैठ जाना है इस तरीके से, लेकिन उठते समय हमारी गर्दन जो है वो नहीं वहाँ से हिलेगी, हमारी गर्दन बिल्कुल जो है वो वैसी ही रहेगी जैसे थी 90 डिग्री पर। और फिर हम जैसे ही यहाँ पर इस पोजीशन में हम जैसे ही उठ के बैठेंगे हमको फिर चक्कर आना शुरू होगा, और वो फिर हमको वही चीज़ देखनी है कि हमको चक्कर कब तक आ रहा है, और चक्कर आके आने के बाद हमको 30 सेकेंड्स तक और रुकना है, और उसके बाद हमको अपनी गर्दन जो है वो सीधी कर लेनी है इस तरीके से। बस ये एक्सरसाइज आपकी जो है ये ख़त्म हो चुकी है। बस आप यहाँ पर 5 मिनट और ऐसी बैठिए सीधी गर्दन रखकर, और आपको उठ जाना है। तो इस एक्सरसाइज को आप दिन में 1-2 बार कर सकते हैं, और ये हमारा जो एप्ली मैन्यूवर है ये हमारा पूरा हो चुका है। बस इसमें टाइमिंग की ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत जल्दी भी नहीं करनी है, हड़बड़ी में भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगानी है। बस आपको ये देखना है कि 30 सेकेंड्स जो आपको होल्ड करना है वो चीज़ देखनी है, और ये चीज़ आपको चक्कर ख़त्म होने के जस्ट बाद ऐड कर देनी है। नहीं तो अगर बहुत जल्दी करेंगे तभी भी वो जो है वो क्रिस्टल है वो नहीं निकल पाएगा, और ज़्यादा देर करेंगे तो जो निकल चुका होगा वो ज़्यादा देर करने से वो फिर नीचे बैठ जाएगा। तो चलिए फिर इसी बात पर फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं क्रिस्टल को निकालने के लिए, और इसे कहते हैं हाफ समर सॉल्ट। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले आप दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, और पिछली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे कि चक्कर आने के बाद हम 30 सेकेंड्स होल्ड रख रहे थे। इसमें क्या करना है,
इसमें आप या तो 30 सेकेंड्स होल्ड रखिए, या तो आप चक्कर जब तक आपको आ रहा है बस तब तक ही आप होल्ड करके रखिए, और उसके बाद फिर आप पोजीशन बदल सकते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं। तो इस पर हम शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे हम बैठे हैं, इस तरह हम अपने हाथ दोनों ऐसे रख लेते हैं अपने पैर पर, और अब हम क्या करेंगे कि जो हेड है वो एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ, और ऐसे पीछे हम अपना सर ले जाएंगे, और जितना पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं कर देंगे। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, और जब फुली एक्सटेंड आप पीछे की तरफ कर देंगे तो आपको चक्कर सा महसूस होगा, और ये चक्कर जब तक आपको आता है तब तक आपको रुकना है, या 30 सेकेंड्स तक आप रुक सकते हैं। या तो 30 सेकेंड्स पूरे हो जाए या आपको चक्कर आना बंद हो जाए, तो आप अब इस पोजीशन से आप आगे आप जा सकते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको दोनों हाथ अपने फ्लोर पर रखने हैं, और अपने सर को हमको जमीन पर ऐसे रख देना है जैसे कि हम सर पर खड़े होने जा रहे हो, ऐसे लगे कि हम जैसे सर पर खड़े होने जा रहे हो। और इसके साथ हम अपनी चिन भी टक कर लेंगे, तो इसमें चिन टक करना ना भूलिएगा, क्योंकि चिन इसमें टक रहेगी एकदम एंड तक हमारी अंदर की तरफ। आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा लेकिन मेरी चिन जो है वो इस तरह टक हो जाएगी। पहले तो हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, होल्ड किया जब तक हमें चक्कर आया या 30 सेकेंड्स, और जैसे ही वो बंद हुआ चक्कर तब हम दोनों हाथों पर ऐसे आ जाएंगे, और सर को हम जमीन पर इस तरीके से ऐसे रख देंगे जैसे कि हम अपने सर पर खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय मेरी क्या है कि चिन जो है वो टक है, मेरी चिन जो है मेरी टक है, और अब इस पोजीशन में हमको रुकना है जब तक हमको चक्कर आता है या 30 सेकेंड्स। अब मान लीजिए कि मुझे अभी चक्कर आ रहा है, तो मैंने अभी होल्ड करके रखा हुआ है इसको, और फिर चक्कर आना, अब मुझे मान लीजिए कि अब बंद हो गया है, तो मुझे क्या, मैं क्या करूंगा, जिस तरफ मुझे चक्कर आ रहा था राइट साइड मुझे जैसे चक्कर आ रहा था, तो मैं राइट साइड की तरफ देखूंगा। तो देखने के लिए मैंने गर्दन 45 डिग्री मुझे घुमा देनी है राइट साइड। तो यहां पर मैं देख राइट साइड रहा हूं, मुझे राइट साइड देखना है क्योंकि मुझे चक्कर जो है वो राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो मुझे इसमें राइट साइड की तरफ देखना है, वो भी 45 डिग्री के एंगल पे। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपनी कोहनी देखने की कोशिश करिए, तो आप 45 डिग्री पे आपकी गर्दन घूम जाएगी, और आपको अभी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा उतना क्लियर, पर मैं अपनी कोहनी की तरफ देख रहा हूँ और मेरी गर्दन जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे घूमी हुई है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट होगी, यहाँ पर भी मेरी चिन जो है वो टक है, और मुझे अब चक्कर भी आ रहे हैं, तो मैं रुक जाता हूँ और चक्कर रुकने का मैं इंतज़ार करता हूँ। अब चलिए मान लीजिए कि मेरा चक्कर जो है रुक गया है, तो हमारा जो ये वाला जो है ये जो पोजीशन है हमारी ये भी पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तुरंत हम इस तरीके से ऊपर की तरफ दोनों हाथों से अपने आप को उठा लेंगे, हमारी गर्दन जो है वो 45 डिग्री पर वैसे ही मुड़ी रहेगी जैसे मुड़ी हुई थी, जैसे हम अपनी एल्बो को देख रहे थे राइट साइड वाली, और हमारी चिन भी टक रहेगी। बस अब अपने दोनों हाथों को हम दोनों हाथों से हम ऊपर की तरफ ऐसे बस उठ जाएंगे, और चिन जो है मेरी वो अभी भी टक है, और इस पोजीशन में भी हम तब तक रुकेंगे जब तक हमें चक्कर आ रहा है। मान लीजिए अभी मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ी देर मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, या 30 सेकेंड्स तक, जैसा भी जो भी आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर फिर जैसे ही मान लीजिए मुझे चक्कर जो है वो आना बंद हो गया, तो अब क्या करना है, अब मुझे सीधे बैठ जाना है, लेकिन मेरी जो चेन है वो अभी भी टक है, और मेरी जो गर्दन है वो अभी भी 45 डिग्री पर मुड़ी हुई है। इस पोजीशन पे भी हमको फिर से वैसे ही होल्ड करना है, क्योंकि आप जैसे ही ऊपर आएंगे तैसे ही आपको फिर चक्कर आएगा, और आपको फिर इंतज़ार करना है अपने चक्कर का धीमा पड़ने का, और जब चक्कर आना आपको बंद हो जाएगा तब आपको फिर नॉर्मल पोजीशन पर ऐसे आ जाना है, और फिर आपको थोड़ी देर यहाँ पर ऐसे रुकना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा आप सर को इधर उधर हिलाकर ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं कि जो आपको चक्कर आ रहा था, थोड़ा थोड़ी देर रुकने के बाद, 2-3-4 मिनट रुकने के बाद, फिर आप सर थोड़ा इधर उधर घुमाकर ऊपर नीचे करके आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपको जो पहले चक्कर आ रहा था उसमें कुछ कमी हुई है कि नहीं। हो सकता है कि ना हुई हो, उतनी ज़्यादा कमी ना हुई हो, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है फ़र्क हुआ पड़ा भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत चक्कर हो सकता है कि अभी भी आ रहा हो आपको। तो इसको आप दिन में 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं। बस इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हर एक्सरसाइज में, हर रेपिटिशन पर, जितनी बार भी आप करेंगे, बीच में आप 15 से 20 मिनट का गैप ज़रूर दीजिएगा, और बाकी बस इसमें थोड़ा सा आपको मिचली वगैरह आ सकती है, तो
इसमें भी आपको खाना वाना ज़्यादा खा कर नहीं रखना है। तो चलिए ये हमारी जो हाफ हाफ जो समर सॉल्ट जो एक्सरसाइज है ये हो गई है पूरी। अब बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी एक्सरसाइज पर। चलिए फिर अगली एक्सरसाइज पर हम बढ़ते हैं और BPPV की ये तीसरी एक्सरसाइज और इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज हम करते हैं। तो इसका नाम है ब्रेन डेड ऑफ एक्सरसाइज। और इन एक्सरसाइज के बारे में आप जान लीजिए कि जितनी भी एक्सरसाइज हम अभी कर रहे हैं इस वीडियो में हमने की है, इन सबको करते समय आपको लगेगा कि आपके सिम्टम जो है बढ़ रहे हैं, करते समय आपको लगेगा कि चक्कर मेरा बढ़ गया है, तो उससे डरिएगा नहीं, क्योंकि वो सिम्टम्स पहले बढ़ते हैं लेकिन फिर बाद में आराम भी उतना ही ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो इस पर डरिएगा नहीं। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जब आपको चक्कर आते हैं तो आपकी आँख की पुतलियाँ जो हैं वो जर्क करने लगती हैं, तो इसको निस्टैग्मस बोलते हैं। तो ये सबके साथ होता है और इसमें मिचली वगैरह भी आ सकती है, तो खाना वगैरह कम खाइएगा और ये सब चीज़ें काफ़ी परेशान कर देती हैं आदमी को। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जब हो गया है तो हो गया है, अब उसका तो फिर इलाज करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज अपनी बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो की। तो इसमें हम ब्रेन डेड ऑफ एक्सरसाइज में क्या करेंगे कि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें भी हमको वही सब करना है। तो हम इस तरीके से लेट जाएंगे, पैर के ऊपर पैर ऐसे करके हम लेट जाते हैं और सर को इस तरह हम बेड पे ऐसे रख देंगे। अब हमको क्या करना है कि अब हमको फिर से वही चीज़ करनी है, 45 डिग्री पर हम अपनी गर्दन इस तरीके से मोड़ देंगे और जैसे ही हम मोड़ेंगे तैसे ही अब हमको चक्कर महसूस होगा। अब हमको चक्कर के रुकने का इंतज़ार करना है या 30 सेकंड्स हमको होल्ड करना है या चक्कर के रुकने तक हमको होल्ड करना है। अब इसमें आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा, आपको आराम ज़्यादा कब मिल रहा है, चक्कर जब आप मतलब आप चक्कर के ख़त्म होते ही आप पोजीशन बदलने पर आपको आराम मिल रहा है या 30 सेकंड्स रुकने के बाद मिल रहा है। लेकिन बस इसमें ज़रूरी एक चीज़ ये है कि आपका चक्कर रुक जाना चाहिए, चक्कर आते समय आपको पोजीशन नहीं बदलनी है, चक्कर का रुकना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा या 30 सेकंड्स या चक्कर के रुकने तक का होल्ड करना। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब इसमें जैसे अब 45 डिग्री पर मेरी गर्दन मुड़ी हुई है और मेरा चक्कर अब बंद हो गया या 30 सेकंड्स हो गए, अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं, अब मुझे सीधे सिंपल ऐसे बैठ जाना है, उठ के गर्दन मेरी सीधी रहेगी, इसमें गर्दन मुड़ी उड़ी कुछ नहीं रहेगी, एकदम सीधी हो जाएगी गर्दन जैसे आप नॉर्मल बैठते हैं। और इस पोजीशन में भी आपको 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है या चक्कर जब तक आपको महसूस हो रहा है तब तक। और जैसे ही वो ख़त्म होगा, जैसे ही 30 सेकंड्स होते हैं या आपका चक्कर ख़त्म हो जाता है, तो आप तुरंत दूसरी साइड पे फिर से वही, फिर से उसी तरह आपको ऐसे पोजीशन ले लेनी है और 45 डिग्री पर आपको गर्दन ऐसे घुमा देनी है। फिर आपको वही चक्कर के बंद होने का इंतज़ार करना है या 30 सेकंड्स खो जाने का इंतज़ार करना है और फिर आपको सीधे तुरंत ऐसे बैठ जाना है और फिर 30 सेकंड्स आपको फिर यहाँ पर वेट करना है या चक्कर के बंद होने का वेट करना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है और एक साइड आप इसको इस तरफ करना है और एक साइड आपको इस तरफ करना है और दोनों का मिला के, दोनों साइडों का मिला के आपको 10 बार करना है, यानी 5 इधर या 5 इधर, मतलब आप कर सकते हैं एक दिन भर में आप 10 बार कर सकते हैं, 5 इधर और 5 इधर, आपका मन हो तो आप कम भी कर सकते हैं लेकिन 5-5 बार आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिर मैं इतना ही रखता हूँ और इसी बात पर फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है मुझे कि इन सब एक्सरसाइज को करने के बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलता हूँ मैं आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।